सर जो पानी का मामला है ये कंज्यूमर मिनिस्टर के हैसियत से हम पिछले चार साल से लगे हुए हैं इसके पीछे और हम लोग 77 से दिल्ली में रहते हैं, पहली बार जीत करके आए थे। 85 के बाद 90 के बाद से बोतल वगैरह चला, इसके पहले तो लोग पानी यहीं का पीते थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि डीजल की कोई आदमी जो है नल का पानी नहीं पी सकता है, नीला पीला पानी निकलते रहता है। और उसके बाद जो है और सब कहीं कहीं कोई अच्छे लोग हैं, आर ओ लगा लिए हैं, कहीं कुछ कर लिया है, कहीं बोतल का पानी पीते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, मतलब दो चौथाई तीन चौथाई जो है जो गरीब लोग हैं, क्योंकि झोपड़ी एरिया में रहते हैं, उनके पास में कोई साधन नहीं है। और 90 से 95% बच्चे जो है उनका शरीर कोमल होता है, ये गंदा पानी पीने के कारण कोई न कोई बीमारी से जो है ग्रसित हो जाता है। हम लोग राजनीति में हैं, गरीब घर से आए हैं, बहुत हम चिंतित रहते थे। BIS हमारे अंडर में है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, वो देश में जितने 20-25 हज़ार जो हैं पानी से लेकर के सब चीज़ का स्टैंडर्ड बनाता है। तो हमने जो है उनको कहा कि कुछ सैंपल मेरे पास में लोगों ने भेजा कि साहब आप मंत्री हैं तो इस पर भी आप देखिए। तो मैंने क्या कहते हैं कि बुलाया था जो आप पार्टी की सरकार है उनके लोगों को भी मैंने कहा था। हमने वहाँ से जब सैंपल लिया और जब प्राइमरी टेस्ट किया उसमें, तो उसमें सबका सब फेल कर गया। हमने कहा देखो इसको ये काम करो, गंभीरता से इसको करो, 10 बोतल से नहीं होगा। कहा सर सब 100 बोतल लेना पड़ेगा एक जगह से। हमने ठीक है 11 जगह पर से क्या कहते हैं कि विभिन्न एरिया से क्या कहते हैं कि लिया। और लेने के बाद मैंने बुलाया दिल्ली के क्या कहते हैं जो जल बोर्ड है, जल बोर्ड क्या है तो वहीं से सप्लाई होता है। जो अभी मनोज तिवारी जी ने कहा कि जल बोर्ड सप्लाई करता है और अलग अलग इलाके में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस समय में भी उन्होंने बयान दिया कि नहीं हमारा तो पानी जो है 100% ठीक है, तो यूरोपियन कंट्री से भी ज़्यादा अच्छा है। हमने कहा कि हम इसमें कोई राजनीति करना नहीं चाहते हैं, हमारा हम तो सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति होंगे कि जिस दिन मालूम हो जाए कि दिल्ली का पानी पीने लायक क्या कहते हैं कि हो गया है। कहीं भी किसी के दरवाजे पर दिल्ली में का गेस्ट आता है तो यदि आप गिलास में पानी उसको देखिएगा तो उसको संतुष्ट नहीं होता है ये पानी कैसा है, जब तक कि सामने में बोतल नहीं देख लेता है। तो कोई नहीं पीता है बोतल, कोई पानी नहीं पीता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि हमने जो है सो कहा कि ये काम करो, दिल्ली की सरकार का ही मामला नहीं है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2024 तक जो है पूरे देश में हम स्वच्छ नल की व्यवस्था पानी के द्वारा करेंगे, तो सब जगह स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। तो आप एक काम करो, जितने भी स्टेट हेडक्वार्टर्स हैं फर्स्ट फेज में क्या कहते हैं उनका जांच करो, उसके बाद सेकेंड फेज में जितने 100 स्मार्ट सिटी हैं उनका जांच करो, और थर्ड में जाकर के जो है आप जांच करो क्या कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और तब नीचे जाओ। और एक महीना का उसका समय था, 3 अक्टूबर को हमने बैठक बुलाई थी जिसमें जल बोर्ड के भी लोग थे, NDMC के भी लोग थे, सारे के सारे लोग थे, और सबको हमने बताया था कि देखो कैसा पानी है, कैसा निकल रहा है। उसके बाद जो है रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आने के बाद 2 दिन के बाद जो है हमने देखा भी नहीं, क्योंकि हम टेक्नीशियन तो कोई टेक्निकल आदमी तो है नहीं कि क्या रिपोर्ट में है कैसे है, लेकिन पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन है सारे मीडिया के सामने में उन्होंने रखा। और उसमें क्या कहते हैं 21 स्टेट का जो है सो उन्होंने जो है सो तय किया, जिसमें जो बतलाया गया कि सबसे ऊपर में मानते हैं कि जो है सो महाराष्ट्र का क्या कहते हैं कि मुंबई का है, और सबसे लास्ट में क्या कहते हैं कि जो खराब जो है स्थिति जो है क्या कहते हैं कि दिल्ली का है। उसके बाद मान लेते हैं कि अब लोगों ने हमारे जैसे लोगों पर कहते हैं कि जो है क्या कहते हैं कि आरोप लगाते हैं। मैं यह चैलेंज के साथ में कहना चाहता हूं कि हम भारत सरकार में लगातार मंत्री रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री नहीं कह सकता है, कोई MP नहीं कह सकता है, कोई विधायक नहीं कह सकता है कि हमने कभी जीवन में राजनीति किया है इन मामलों को लेकर के। हाँ, गरीब का जहां तक सवाल आता है हम उसमें क्या कहते हैं कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं कि पानी को क्या कहते हैं कि जो है तो इन्होंने जो है ये पक्षपात किया है, आप ये कहते हैं कि कमिटी बना दें और क्या करें। हम कहते पार्लियामेंट में, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी मैं कहना चाहता हूं, चाहे दिल्ली की सरकार हो कोई भी सरकार हो, किसी को भी लगता है कि इसमें मान लेते हैं कि उनका पानी बहुत अच्छा है, तो सबसे पहली बात तो यदि पानी 100% आपका अच्छा है तो मैंडेटरी करो, कोई भी आदमी को खराब पानी मिलेगा कोर्ट में चला जाएगा। और नहीं तो हम आज घोषणा करना चाहते हैं
कि हम अपने यहां से दो तीन अधिकारी जो सीनियर हैं, बीआईएस के, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हैं, डीजी हैं, डीजी नीचे में हैं, उनको हम नियुक्त करते हैं। आप दे दो, आप भी तीन अफसर को क्या कहते हैं कि दे दो, और जिस एरिया में आपको जाना हो आप ज्वाइंटली जाओ, कहीं भी जाओ, और विभिन्न एरिया से आप पानी ले लो और उसकी जांच क्या कहते हैं कि उसका जांच कहते हैं जिस लेबोरेटरी में आप कराना चाहते हो उस लेबोरेटरी में आप कराने का काम करो। हम उसका स्वागत करते हैं, हम आज अनाउंस करते हैं, और हम केजरीवाल जी से कहना चाहते हैं आप शाम तक दो नाम, कल तक नाम दो, परसों तक नाम दो। अब इनके जो हैं राज्यसभा के सदस्य हैं, कोई हैं बोलते रहते हैं, अरे एमएलए से पूछो ना, कोई भी एमएलए दिल्ली का कह दे हिम्मत है तो पब्लिकली कहे कि साहब हमारे एरिया में जो है पानी जो है स्वच्छ मिलता है और क्या कहते हैं पीने लायक पानी है, कोई नहीं कह सकता है। इसलिए हम इसमें कोई राजनीति करना नहीं चाहते हैं, हम कोई वाद विवाद में जाना नहीं चाहते हैं, हम स्वागत करते हैं। हमारा मेन मकसद है कि लोगों को स्वच्छ पानी मिले, पीने का पानी मिले, और जो गरीब लोग हैं जो आरओ नहीं लगा सकते हैं, कुछ नहीं लगा सकते हैं, बेचारे गर्म पानी गर्म गर्म करके पानी पीते हैं, वो भी सही नहीं मिल पाता है, इससे ज्यादा चिंता का विषय क्या हो सकता है। और लोग इसमें राजनीति करते हैं, सारे के सारे मीडिया वाले हैं, चैनल वाले हैं, सब जगह जाकर के दिखला रहे हैं, ले रहे हैं पानी, ले रहे हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि आपके माध्यम से हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप सब लोग हमारा साथ दीजिए, कोई इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, देश में स्वच्छ पानी मिले, पीने का पानी मिले, नहीं तो आधा बीमारी 90% बीमारी उसी से पैदा होता है। और उसके बाद है हम दिल्ली सरकार से भी कहना चाहते हैं कि आप नाम दो, कल तक दो, आज तक दो, हम नाम जाकर के अभी हम जाकर के नाम उनको क्या कहते हैं कि भेज देंगे, और दो बैठे और जिस भी क्या कहते हैं जहां भी लेबोरेटरी से हो जांच कराने का हो वो क्या कहते हैं करें, हम उसके लिए तैयार हैं। और उसका जो रिपोर्ट है उसको भी क्या कहते हैं कि जो है हम पब्लिक करेंगे, यही आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। और सर जो पानी का मामला है, ये कंज्यूमर मिनिस्टर के हैसियत से हम पिछले 4 साल से लगे हुए हैं इसके पीछे, और हम लोग 77 से दिल्ली में रहते हैं, पहली बार जीत करके आए थे, 85 के बाद 90 के बाद से बोतल वगैरह चला, इसके पहले तो लोग पानी यहीं का पीते थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि कोई आदमी जो है नल का पानी नहीं पी सकता है, नीला पीला पानी निकलते रहता है, और उसके बाद जो है और सब कहीं कहीं कोई अच्छे लोग हैं आरओ लगा लिए हैं, कहीं कुछ कर लिया है, कहीं बोतल का पानी पीते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं मतलब 2/3 जो है जो गरीब लोग हैं क्योंकि झोपड़ी एरिया में रहते हैं उनके पास में कोई साधन नहीं है, और 90-95% बच्चे जो है उनका शरीर कोमल होता है, ये गंदा पानी पीने के कारण कोई ना कोई बीमारी से जो है ग्रसित हो जाता है। हम लोग राजनीति में हैं, गरीब घर से आए हैं, बहुत हम चिंतित रहते थे, बीआईएस हमारे अंडर में है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो देश में जितने 20-25 हज़ार जो हैं पानी से लेकर के सब चीज़ का स्टैंडर्ड बनाता है, तो हमने जो है उनको कहा कि कुछ सैंपल मेरे पास में लोगों ने भेजा कि साहब आप मंत्री हैं तो इस पर भी आप देखिए, तो मैंने क्या कहते हैं कि बुलाया था जो आप पार्टी की सरकार है उनके लोगों को भी मैंने कहा था, हमने वहाँ से जब सैंपल लिया और जब प्राइमरी टेस्ट किया उसमें तो उसमें सबका सब फेल कर गया। हमने कहा देखो इसको ये काम करो गंभीरता से इसको करो, 10 बोतल से नहीं होगा, कहा सर सब 100 बोतल लेना पड़ेगा एक जगह से, तब मैं ठीक है 11 जगह पर से क्या कहते हैं कि विभिन्न एरिया से क्या कहते हैं कि लिया, और लेने के बाद मैंने बुलाया दिल्ली के क्या कहते हैं जो जल बोर्ड है, जल बोर्ड क्या है तो वहीं से सप्लाई होता है, जो अभी मनोज तिवारी जी ने कहा कि जल बोर्ड सप्लाई करता है और अलग अलग इलाके में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस समय में भी उन्होंने बयान दिया कि नहीं हमारा तो पानी जो है 100% ठीक है, तो यूरोपियन कंट्री से भी ज़्यादा अच्छा है। हमने कहा कि हम इसमें कोई राजनीति करना नहीं चाहते हैं, हमारा हम तो सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति होंगे कि जिस दिन मालूम हो जाए कि दिल्ली का पानी पीने लायक क्या कहते हैं कि हो गया है, कहीं भी किसी के दरवाजे पर दिल्ली में का गेस्ट आता है तो यदि आप गिलास में पानी उसको देखिएगा तो उसको संतुष्ट नहीं होता है ये पानी कैसा है जब तक कि सामने में बोतल नहीं देख लेता है, तो कोई नहीं पीता है बोतल, कोई पानी नहीं पीता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि हमने जो है सो
कहा कि ये काम करो कि दिल्ली की सरकार का ही मामला नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2024 तक जो है पूरे देश में हम स्वच्छ नल की व्यवस्था पानी के द्वारा करेंगे, तो सब जगह स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। तो आप ये काम करो, जितने भी स्टेट हेडक्वार्टर्स हैं फर्स्ट फेज में क्या कहते हैं उनका जांच करो, उसके बाद सेकेंड फेज में जितने 100 स्मार्ट सिटी हैं उनका जांच करो, और थर्ड में जाकर के जो है आप जांच करो क्या कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और तब नीचे जाओ। और एक महीना का उसका समय था। 3 अक्टूबर को हमने बैठक बुलाई थी जिसमें जल बोर्ड के भी लोग थे, NDMC के भी लोग थे, सारे के सारे लोग थे, और सबको हमने बताया था कि देखो कैसा पानी है, कैसा निकल रहा है।